बीकानेर जिले में सीजनल सब्जियां जिनमें पालक, धनिया, मेथी, अरबी, सरसों और सबसे पौष्टिक सहजन की फली आंगनबाड़ी सेंटरों में उगाने की तैयारी के लिए बीजारोपण कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि स्थान को पोषण वाटिका के नाम से जाना जाएगा और ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है कि बीकानेर के 15,000 स्थानों पर एक ही समय पर एक ही दिन में पोषण वाटिका स्थापित की गई है। बीकानेर राजस्थान का संभवत पहला जिला माना जा सकता है कि यहाँ यह नवाचार किया जा रहा है, जिसके चलते बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने खारा गांव स्थित आंगनबाड़ी सेंटर में गर्भवती महिला सुनीता देवी के घर पोषण वाटिका अभियान की शुरुआत की और इसी मौके पर बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता के सिंह ने। पोषण वाटिका की बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल का एक अहम योगदान है और एक नवाचार भी कहा जा सकता है, सोच भी है। बात करते हैं हम सर, बीकानेर जिले में जो NFHS सर्वे हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसमें जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो 59% एनीमिक हैं और उसमें एनीमिक होने का मुख्य कारण है आयरन की कमी। तो आयरन की कमी प्राकृतिक रूप से दूर करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है पत्तेदार सब्जियों के उपयोग से ही पोषण के स्तर को सुधारा जा सकता है, ताकि जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसका स्वास्थ्य पोषण ठीक रहेगा और जो धात्री महिलाएं हैं उनका पोषण उचित रहेगा तो उनके आने वाले बच्चों का भविष्य स्वस्थ रहेगा। इस उद्देश्य को लेकर किचन गार्डन्स डेवलप करने के लिए हमने एक अभियान चलाया। ये अभियान बेसिकली आंगनबाड़ियों की कार्यप्रणाली जो पिछले 2 साल से कोरोना से बंद थी उसको शामिल करके शुरू किया, जहाँ पर प्रतिदिन एक LS एक आंगनवाड़ी केंद्र पर रहती है, पूरे दिन उनकी समीक्षा करती है, आंगनवाड़ी कार्य को मोटिवेट करती है किस तरह से बच्चों से, गर्भवती महिलाओं से, धात्री महिलाओं से इंट्रेक्शन किया जाए। पिछले एक महीने से हम तैयारी कर रहे थे इसके बारे में कि और जो 1502 आंगनवाड़ी है हमारे यहाँ पर, प्रति आंगनवाड़ी को 10 गर्भवती या धात्री महिलाओं को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य दिया गया था कि वो गर्भवती धात्री महिलाओं को प्रोत्साहित करके उनके यहाँ क्यारियाँ तैयार करवाएं। पिछले एक महीने में हमने ये लक्ष्य दिया था और लगभग 15,000 क्यारियाँ, 15,000 गर्भवती धात्री महिलाओं के यहाँ पर ये क्यारियाँ तैयार हो गई थी। आज जो है बीज डालकर सभी जगह का शुभारंभ किया गया। ये किस तरह से इनको जो तैयार किया गया, सबसे पहली बात है कि मोटिवेट कैसे किया, खास तौर पर ग्रामीण महिलाएं हैं, 1502 हमारे यहाँ आंगनबाड़ी सेंटर हैं, इन सेंटर्स की महिलाओं को किस तरह से और कैसे उनको ये सब्जियां मिल पाएगी? एक हमारा इनिशिएटिव है पुकार, जिसमें गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए, किशोरी महिलाओं के लिए, जहाँ पर हम हर बुधवार को पंचायत में बैठक करते हैं, वो ये लगभग 4 महीने हो गए हम हर मोहल्ले को कवर कर रहे हैं, जहाँ पर किसी गर्भवती महिला के घर पर बैठक होती है और आसपास की सारी महिलाएं जो गर्भवती धात्री हैं या अन्य महिलाओं को बुलाया जाता है और उन बैठकों में लगातार हम पत्तेदार सब्जियों के लाभ के बारे में बता रहे हैं, पोषण वाटिकाओं में बारे में बता रहे हैं। तो ये पिछले 4 महीनों की मेहनत है उनको मोटिवेट करने के लिए, छोटी छोटी मोहल्ला मीटिंग्स हो रही थी और ये अब बीजारोपण हो गया है, जो आने वाले 15 से 20 दिन है उसका अंकुरण हो जाएगा और आगे जो है किचन गार्डन का उनको फायदा मिल जाएगा। विभिन्न जिलों में अलग अलग संख्याओं में है, एक साथ में आज हमने बीजारोपण किया है 15,000, वो मैं ये दावे से तो नहीं कहूंगा बाकी जगह क्या हुआ है, बट एक साथ में किया गया इसलिए इसका नंबर हाई है। निश्चित रूप से बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती कलाल की एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि कही जा सकती है कि एक साथ 1502 कहा जा सकता है आंगनबाड़ी से 15,000 क्यारियां एक साथ लगाई गई, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और खास तौर पर इन महिलाओं को अब खाने को मिलेंगे आने वाले दिनों में अरबी, पालक और हरे पत्ते की अनेक सब्जियां। KK सिंह A1 TV बीकानेर।